तो यहाँ पे हमारे पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए इस फंक्शन का इंटरवल हमें फाइंड करना है तो फॉर इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का अगर हमें फाइंड फाइंड करना है फंक्शन तो जो हमारा एफ डैश एक्स होता है इसका फंक्शन का डेरिवेटिव जो होता है वो इट शुड बी ग्रेटर देन जीरो एंड सिमिलरली फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एफ डैश एक्स जो है शुड बी लेस देन जीरो ठीक है अब सबसे पहले तो हम क्या करते हैं एफ डैश एक्स फाइंड कर लेते हैं तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा फोर एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा ट्वेल्व एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर का स्क्शिएशन हो जाएगा ट्वेल्व एक्स और माइनस सेवेंटी टू एक्स का माइनस सेवनटी टू तो सबसे पहले हम इंक्रीजिंग के लिए फाइंड करते हैं इंक्रीजिंग सॉरी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ठीक है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए क्या कंडीशन होती है एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो तो एफ डैश एक्स जो कि हमारे पास है ट्वेल्व एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एक्स माइनस सेवेंटी टू इज ग्रेटर देन जीरो अब इसमें से हम पहला काम करेंगे ट्वेल्व कॉमन ले लेंगे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस इज ग्रेटर दैन तो 12 यहां से हटा दो एक्स स्क्वायर माइनस ग्रेटर देन जीरो अब इसको हम सॉल्व करेंगे इसको हम फैक्टराइज करेंगे यूजिंग टर्म स्प्लिटिंग तो यह स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू एक्स माइनस सिक्स इज ग्रेटर एक्स कॉमन लेंगे पहली टू टर्म से फर्स्ट टू टर्म से एक्स कॉमन ले तो एक्स इंटू एक्स माइनस थ्री अब सेकेंड टू टर्म से आई मीन लास्ट टू टर्म से हम टू कॉमन लेंगे तो यह जाएगा एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन जीरो तो यह माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस टू ग्रेटर लाइन पे बनाते हैं इसको माइनस है फाइनाइट इन फाइनाइट सेंटर पॉइंट जीरो एक्स इज इक्वल टू माइनस टू है एक केस और एक वैल्यू यहां पे प्लस थ्री है so, इन वैल्यूज के कोरिस्पोंडिंग हमको चेक करना है कि कौन सा इंटरवल जो है वो फिजिबल है फॉर द फॉर द फंक्शन टू बी स्ट्रिक्ट इंक्रीजिंग सबसे पहले तो हम लेस देन माइनस टू वाला केस लेते हैं वेरीफाई भी करके देखेंगे साथ, साथ के साथ एक्स इज इक्वल टू एक्स लेस देन माइनस टू एक्स लेस देन माइनस टू यहाँ पर मैं ले लेता हूँ एक्स की वैल्यू माइनस थ्री ठीक है x की वैल्यू माइनस थ्री तो यहां पे क्या वैल्यू आ जाएगी ये माइनस थ्री माइनस थ्री हो जाएगा माइनस का सिक्स माइनस थ्री प्लस टू ये हो जाएगा कितना माइनस वन माइनस सिक्स इंटू माइनस वन हो जाएगा प्लस का सिक्स ग्रेटर देन जीरो तो ये वाला जो ये वाला जो रीजन है ये हमारा ट्रू रीजन है फॉर एफ एक्स टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग अब चेक करते हैं एक्स ग्रेटर देन माइनस टू एंड लेस देन थ्री यानी कि माइनस टू और थ्री के बीच में ठीक है तो यहां पर यहां पर मैं ले लेता हूँ की वैल्यू जीरो तो x की वैल्यू जीरो पुट करने के बाद कितना आ रहा है माइनस थ्री इंटू टू ये हो जाएगा माइनस का सिक्स एंड दिस इज लेस देन जीरो तो यहां पर कंडीशन हमारी फॉल्स हो रही है यहां पर कंडीशन फॉल्स हो रही है इसका मतलब यहां पर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है अब तीसरा केस देखते हैं हम x इज ग्रेटर देन थ्री थ्री से कोई भी बड़ी वैल्यू ले लेते हैं लेट से एक्स की वैल्यू हम ले लेते हैं फोर तो फोर माइनस थ्री कितना होता है यहाँ पे फोर माइनस थ्री वन और फोर प्लस टू कितना होता है सिक्स तो वन टू सिक्स इज इक्वल टू सिक्स एंड दिस इज ग्रेटर देन जीरो तो यहाँ पे भी हमारे पास ये कंडीशन जो है ट्रू है यहाँ पे भी हमें इंक्रीजिंग के लिए यहाँ पे इंटरवल मिल रहा है तो so, जो भी मैंने रीजन शेड किया है उस रीजन में ये एफेक्स जो है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो so, एक्स का जो इंटरवल होगा वो होगा हमारा यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू माइनस माइनस टू यूनियन थ्री टू इन फाइनेट तो ये हमारे पास इंटरवल आ गया फॉर एफ एक्स टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग अब इस रीजन को छोड़ के जो भी रीजन है इस रीजन को छोड़ के सिर्फ हमारे पास एक ही रीजन मिल रहा है माइनस टू टू थ्री तो इस रीजन पे जो हमारा एफ एक्स है वो स्ट्रिक्ट डिक्रीजिंग हो जाएगा तो फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग यहां पे मैंने ये शेड भी किया यहाँ पे माइनस में भी आ रहा है और ये, ये लेस वाली कंडीशन भी आ रही है फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एक्स बिलोंग्स टू माइनस टू टू थ्री ये हमारे पास रीजन हो जाएगा फॉर एफ एक्स टू बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ये हमारा एक्चुअली इंटरवल होगा तो ये दोनों हमारे पास आंसर है इसके तो आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जी मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही आज डाउनलोड करें डाउट नेटअप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर